मर्डर करके अपराध की दुनिया में शानदार डेब्यू कर चुका था। आज के लॉन्डों की तरह इस शुरुआती सक्सेस से खुश होकर अतीक बाबू आलसी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कड़ी मेहनत करना जारी रखा और देखते ही देखते हत्या, लूट, डकैती, जमीन कब्जाने जैसी शास्त्रीय संगीत की बाकी विधाओं पर भी हाथ आजमाना उन्होंने शुरू कर दिया। उनकी इस अथाह मेहनत, सच्ची लगन और साफ नीयत का ही नतीजा था कि वो बहुत छोटी सी ही उम्र में हिस्ट्री शीटर बन गए। हत्या से लेकर लूट और जमीन कब्जाने की इतने टैलेंट के बाद अगर वो राजनीति ज्वाइन नहीं करते तो ये अतीक से ज्यादा राजनीति पर जुल्म हो जाता है। नहीं, साफ दिल अतीक ने ऐसा कोई जुल्म नहीं किया और 1989 में चुनाव लड़कर ये होनहार बालक सीधे MLA हो गए। इसके बाद इस अल्हड़ जवानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रयागराज की जनता ने भी इस नेक फरिश्ते को इतना प्यार लुटाया इन पर कि इन्हें 5 बार MLA और 1 बार MP ही बना डाला। काफी फैला बिजनेस है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग तरक्की करके अपनी जड़ों से कट जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वो कहां से आए थे, मगर अतीक उनमें से नहीं था। MP MLA बनने के बाद भी वो बाकी बचे खाली टाइम में अपराध का अपना पैशन फॉलो करता रहा। ये अपराध की दुनिया को लेकर उसका प्यार ही तो था भाई, कि हंसते खेलते कब उनके ऊपर 101 मामले दर्ज हो गए पता भी नहीं चला। ये अतीक भाई का खुशमिजाज स्वभाव ही था कि उसके दुश्मनों ने भी कभी उसका बुरा नहीं चाहा। और उनके खिलाफ दर्ज ज्यादातर केस इसलिए बंद करने पड़े क्योंकि अतीक भाई के नरम स्वभाव और अपने बीवी बच्चों के चेहरे को देखते हुए ज्यादातर गवाह मुकर गए। आमला कभी नहीं देता है। अतीक भाई की लोकप्रियता इतनी जबरदस्त थी कि कई जजों ने यह कहते हुए उनके मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया कि ये आदमी बहुत प्यारा है लेकिन हमें अपनी जान इससे भी प्यारी है। तो दोस्तों, इस तरह के नरम स्वभाव वाला अतीक अहमद पिछले 40 सालों से इस देश की सिस्टम की छाती पर घुटना लगाकर उनके मुंह पर मूत रहा था। किसी भी देश के लिए इससे ज्यादा शर्म की क्या ही बात हो सकती है कि जिस आदमी पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हों उसे आज तक एक भी मामले में सजा ना हुई हो, जिसके नाम से पुलिस से लेकर जज तक कांपते हो, जिसने आम आदमी से लेकर पूरी सिस्टम को डरा कर रखा हो। इसलिए जब आज ऐसे शख्स को उम्र कैद की सजा हुई है तो इससे न जाने कितने लोगों के जख्मों पर मरहम लगा है। देश के